सो है गाइस, तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारे गेम के अंदर आने वाले नीब उटपीकर गन का स्किन का रिव्यू करने वाला हूँ। इसके साथ में हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में, तो गाइस आज के हमारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो गाइस वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी ओबी 52 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर ड्रम इमोट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला इमोट हमें ओबी 52 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये वाला इमोट हमें फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिलने वाला है, या फिर हमें इमोट कैप्सूल इवेंट में देखने को मिल सकता है। तो गाइस इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी यूनिकॉर्न के थीम पे हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू टोकन व्हील इवेंट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इस टोकन व्हील इवेंट में हमें लेजेंडरी मेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी के साथ में हमें इसी टोकन व्हील इवेंट में हमें फीमेल का बंडल भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें गुलवाल का स्किन भी देखने को मिलने वाला है। तो शायद से ये वाला गुलवाल का स्किन हमें किसी वेब इवेंट में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हमें कटना के स्किन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस इस कटना के स्किन में हमें एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो गाइस, इसी निकल टोटली आपको 2000 से लेकर 3000 डायमंड लग जाएगा। अगर आपका लक अच्छा रहा तो इसके बीच में निकल जाएगा 1 आप कितना डायमंड लग जाएगा। इसी के साथ में हमारे गेम के अंदर बहुत जल्दी न्यू बेसिटी गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू की बात करते हैं। यहाँ पर हमें लेवल 1 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस लेवल 1 पे हमें कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 2 करने के बाद हमें किल अनाउंस में देखने को मिलने वाला है। लेवल 3 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें 3 लेवल करने के बाद देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में हमें लेवल 4 करने के बाद हमें हीट वेव देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये वाला हीट वेव भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें 5 लेवल करने के बाद हमें किल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप एनिमी को किल करते हो तो गाइस कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इसी 5 लेवल में हमें फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो उसके बाद हमें लेवल 6 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 6 करने के बाद देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ में हमें लेवल 7 करने के बाद हमें इस बुगन का फाइनल लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसका एनिमेशन भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी 7 लेवल में हमें इसका इमोट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला इमोट हमें इस 7 लेवल में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बुगन का इमोट होने वाला है। तो गाइस इस बुगन का इतना ही रिव्यू था। तो गाइस बात करते हैं हमारे गेम के अंदर न्यूब उटपीकर गन का स्किन देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें लेवल 1 पे हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 2 करने के बाद हमें किल अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। लेवल 3 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 3 करने के बाद देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में हमें लेवल 4 करने के बाद हमें हीट इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि ये भी काफी ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 5 करने के बाद हमें किल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। अगर आप एनिमी को किल करते हो तो गाइस कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला इफेक्ट हमें 5 लेवल करने के बाद देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसी 5 लेवल में हमें फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला फायरिंग इफेक्ट भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 6 करने के बाद हमें न्यू लुक देखने को मिलने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस। तो गाइस ये वाला लुक हमें लेवल 6 करने के बाद देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ में हमें लेवल 7 करने के बाद हमें इसी बुगन का फाइनल लुक देखने को मिलने वाला है, जिसका एनिमेशन भी काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी बुगन का लुक भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस इसी 7 लेवल में हमें इसका इमोट भी देखने को मिलने वाला है, बट इसका इमोट अभी रेडी नहीं हुआ है। तो गाइस इसका इमोट हमें अभी 52 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसी बुगन का इतना ही रिव्यू था। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।